Assalamu alaikum, as dear students. Hope you are all fine. For last week, we have been discussing national income accounting and concepts related to national income. Now, let us continue our discussion with today's concept that's net national product at factor cost. This is another way of looking at national income. जो पहला वे दैट इज मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस पे हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए अब कल से हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कास्ट डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ना एंड दिस इज द सेवंथ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट अनी डोमेस्टिक वेरेबल बिकम्स अ नेशनल वेरिएबल एनी डोमेस्टिक वेरेबल बिकम्स अ नेशनल वेरिएबल इफ नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अबार्ड इज एडिड टू द डोमेस्टिक वेरिएबल। अगर हम डोमेस्टिक के साथ एड करें नेट फैक्ट्री इनकम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अबार्ड तो ये नेशनल बन जाता है ठीक है ना डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं या डोमेस्टिक इनकम इज ए डोमेस्टिक वेरिएबल एट नेट फैक्टर इनकम फ्राम अबार्ड टू कन्वर्ट इट इंटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट यानि अगर हम इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट में एड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्राम अबार्ड इट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट डिफरेंस क्या है ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है ठीक ये नेट डेप्रिसिएशन हम पहले ही लेस कर चुके हैं ये नेट है ठीक तो नेट डोमेस्टिक डोमेस्टिक को अगर हम फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड ऐड करेंगे तो ये नेशनल बन जाता है इतनी ही फर्क है और हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ये बराबर होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम और जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर फस्ट है ये बराबर होता है नेशनल इनकम ठीक तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट है इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम रेंट पुलिस जैसे प्रीवियस डेफिनेशन रेंट पुलस इंटरेस्ट पुलिस प्रॉफिट पुलस वेजेस जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एलॉन्ग विद नेट फैक्टर इनकम फ्राम अबाउट अ ईयर Yeah, net national product is the sum total of factor income is earned. Factor income is earned by normal residents of a country during a year. This is how we explain or define net national product at factor cost. And now we have one more concept that is gross national product. ट इज एट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट दैट इज जे एन पी एट फैक्टर कास्ट जे एन पी एट फैक्टर कास्ट और जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो ऊपर हमने डिस्कस किया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट ये बनता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट कैसे बनेगा अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करें प्लस डेप्रिसिएशन इट इस नेट एंड ग्रास अगर हम ग्रास से ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन लेस करें तो ये नेट बनता है और अगर नेट में हम डेप्रिसिएशन ऐड करें तो ये ग्रास बनता है ठीक तो हम लिख सकते हैं हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट या ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट अगर इसे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो ये बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट अगेन डिफाइनिंग ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट वी कैन से सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम बाई नॉर्मल वॉट इज दिक्सड कैपिटल दैट इज नेट में हम ऐड करते हैं तो ग्रास बनता है तो ग्रास में कंज्शन इंक्लूडिव होता है और नेट में इट इज एक्सक्लूसिव राइट वन मोर कन्सैप्ट रिलेटिड टू नेशनल इनकम इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये नाइन्थ कन्सैप्ट है रिलेटेड टू नेशनल इनकम देखिए जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है इट रेफर्स टू दैट नेट इनकम एट मार्केट प्राइस available to a country for disposal it's the income which is available to an economy to a country for disposal to spend to spend thus we can say it is the sum total of national income national income net indirect taxes and current transfers current transfers from rest of the world right so we can write national disposable income is equal to national income which we have defined above प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट इसलिए है कि इसमें हम सब्सिडीज ऐड करते हैं टैक्सेस माइनस होते हैं सब्सिडीज ऐड होती हैं प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन नेशनल डिस्पोजल इनकम एज द इनकम फ्रॉम आल सोर्सेज अर्नड इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स फ्राम अबार्ड अर्नड इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स कंट्री फॉर कंज्शन एक्सपेंडिचर से इयर इट्स डिस्पोजल ऑफ एन इकॉमी डिस्पोजल ऑफ अ कंट्री सो इट कैन स्पेंड इट द वे इट लाइक्स वे दर ऑन कंजन से ठीक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है वन मोर थिंग

और जो नेट है इट डज नॉट इट डज नॉट इंक्लूड करंट रिप्लेसमेंट कास्ट ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रिप्लेसमेंट कास्ट इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नेशन ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वोर आउट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर इट इज द सेम एज डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर द इकॉनमी एज अ होल राइट तो हम लिख सकते हैं जो हमारा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है इट इज इक्वल टू ग्रास नेशनल डिस्पोजिबल इनकम माइनस करंट रिप्लेसमेंट कास्ट ठीक तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग द कंसेप्ट ट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एंड आल्सो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इन एडिशन टू दिस वी हैव समप्ट रिलेट टू नेशनल इनकम इनशा वी विल डिसकस दम इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए गो थ्रू दीज कन्ट्ट गो थ्रू यूर बुस हैवे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आपकी बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दी गई हैं गो थ्रू दिम अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट में एस एम एस में वाट्स एप में आई एम एट यूर डिस्पोजेबल थैंक यू वेरी मच हैव अइस डे